बरेली के किला थाना क्षेत्र में सीवीगंज को शहर से जोड़ने वाला किला पुल मरम्मत के बाद ट्रैफिक दौड़ाने के लिए तैयार हो गया है, जिसको दोबारा से शुरू करने के लिए वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने 7 अप्रैल यानी शुक्रवार का दिन निर्धारित कर रखा है, जिसके उद्घाटन को लेकर पिछले कई दिनों से शहर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। इस बीच शहर विधानसभा क्षेत्र में स्थित किला पुल का कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने 3 अप्रैल को निरीक्षण किया था, जिन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को 4 अप्रैल तक पुल शुरू कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कैंट विधायक के कार्यालय से 4 अप्रैल को पुल शुरू किए जाने को लेकर मीडिया के दफ्तरों में प्रेस नोट भी भिजवाया था, लेकिन पत्र जारी होने के कुछ ही घंटों में किला पुल का उद्घाटन टलने की सूचना जारी हुई थी, जिसके बाद अब कल यानी 7 अप्रैल को पुल का उद्घाटन निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि करीब 3 महीनों के बाद बंद किला पुल का लगभग 4.89 करोड़ की लागत से कायाकल्प हुआ है। इस पुल पर आवागमन बंद होने के चलते हजारों की संख्या में लोग परेशान होकर कभी किला क्रॉसिंग का जाम तो कभी अलकनाथ मंदिर से होकर हार्टमैन पुल से गलियों के रास्ते मिनी बाईपास पहुंचते हैं।